हम आपको ओम नमः शिवाय संकेतों वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्त दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भूल कर के भी ना करें, यह 10 गलतियां करते हैं, नहीं तो महाकाल हो जाएंगे क्रोधित। कि इस दिन की महाशिवरात्रि का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इससे आप कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन स्वयं आपकी किस्मत भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से महाशिवरात्रि की पूजा करता है उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो दिन होता है महाशिवरात्रि की, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों नंबर धन प्राप्ति का सुख समृद्धि का महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सभी यदि प्रसन्न करना चाहते हैं और तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। दोस्तों भगवान शिव की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें, काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं माना जाता है। दोस्तों नंबर दो माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धनहानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आपको इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ना खाएं। तेज मूर्ति के सामने रखा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं लेना चाहिए। इससे कई प्रकार की परेशानी आ जाती है और शास्त्रों में भी शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद निषेध बताया गया है। कहते हैं कि भगवान दोस्तों नंबर तीन त्रिशूल के अगर दर्शन हो शिवलिंग पर कभी भी शत्रुओं का नाश होता है। तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती, कोई व्याधा है तुलसी के पत्र भगवान विष्णु को भी अधिक प्रिय है लेकिन भगवान गणेश और भगवान शिव को तुलसी पत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। आपको भी भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके शरीर में कोई रोग है या कोई पैकेट का दूध इस्तेमाल ना करें। शत्रु आपको आजकल कर रहा है, बाजार से पैकेट लाते हैं और पैकेट लाकर के सीधा शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको भूल के भी नहीं करना है। यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो गाय का दूध लाकर के आप भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का वास है रुद्राक्ष, नहीं तो आप सादा भैंस का दूध भी ला सकते हैं। गाय का दूध ज्यादा अच्छा रहता है लेकिन थैली वाला दूध आप शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। भगवान को रुद्राक्ष समर्पित करें और फिर उस रुद्राक्ष को अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन कांसे के बर्तन में दूध का प्रयोग ना करें। दूध भगवान शिव को कांसे के बर्तन में ना चढ़ाएं। चांदी के बर्तन में आप भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, यह उत्तम माना गया है। दोस्तों नंबर चार, तो आप घर में भगवान शिव को भूलकर फिर देखना केतकी कितनी या चंपा का फूल ना चढ़ाएं। घर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने स्थापित किया था। पैसा ही पैसा, जिस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में बेहद ही क्रोधपूर्ण व्यवहार कर रहे थे उस समय महाकाल भोलेनाथ लिंग के रूप में उनके बीच में प्रकट हुए और उनको चोर का पता करने के लिए कहा। उतनी जल्दी इधर ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ, विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं लेकिन उस लिंग का चोर नहीं पता कर पाते। तभी ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं कि केतकी के पुष्प को गवाह करते हैं। भगवान शिव क्रोधित होकर के केतकी के पुष्प को श्रापित कर देते हैं कि आज के बाद कोई भी मेरे को केतकी का पुष्प न चढ़ाए, ना टूटा हुआ हो। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद टूटे भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। टूटे हुए चावल कभी नहीं। दोस्तों नंबर पाँच, नहीं तो भोलेनाथ शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और पहली सुबह तक रहता है। व्रति को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी ना खाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब आप व्रत कर रहे हो तो मन को बिल्कुल भी पवित्र रखें। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि मंत्रों का जाप करते रहें। आपका व्यापार अच्छा। दोस्तों नंबर छह, आपके ऊपर भगवान शिव की पूजा में भूल कर के भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने जाने चाहिए। भगवान शिव की जब आप पूजा कर रहे हो तो चावलों को देख लें क्योंकि भगवान शिव को चावल बेहद ही प्रिय हैं लेकिन भगवान शिव को कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते। माता पार्वती चावल इनके आपको सावती लेने दिखाई देंगे। साथ ही जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखें बेलपत्र में छेद ना हो, बेलपत्र टूटा हुआ ना हो। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीत होता है कि भगवान की मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग। इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए ना हो। दिन रात पूजा करते हैं। दोस्तों नंबर सात, सभी
शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। अगर आप पंचामृत यानी पांच चीजों को मिला करके बनाया हुआ मिश्रण, जैसे मनोकामना बहुत जल्दी दूध, गंगा जल के ऊपर चढ़ा हुआ धतूरे का घी, शक्कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ आदि चीजों को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है। जैसे अगर आप दूध लेना है तो गाय का लें, आप होने वाले हैं, दही लेना है तो गाय के दूध की जमा करके लें, घी लेना है तो दूर हो गाय का लें, और आपके जीवन में और उसके बाद बनाने वाला है शक्कर और फिर शहद, ये पांच चीजें मिलाकर के पंचामृत बना करके तैयार किया जाता है। जला हुआ दीपक दिखाई देना, इससे भगवान का अभिषेक करें। अगर आप सुबह के समय सो रहे, जो लोग चार पैर की पूजा करते हैं उन्हें पहले पैर का अभिषेक जल से, दूसरे पैर का अभिषेक दही से, तीसरे पैर का अभिषेक घी से और चौथे पैर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। इस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों नंबर 8, शिवरात्रि पर तीन पत्रों वाला बेलपत्र शिव को समर्पित करें और डंटल चढ़ाते समय आपकी तरफ टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखें बेलपत्र का जो डंटल है वह आपकी तरफ होना चाहिए। करोड़ों व्यक्तियों में से इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों नंबर 9, भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना गया है और भगवान शिव को यह फल बेहद प्रिय भी है। जब भगवान महाकाल की पूजा कर रहे हो तो आप सारी चीजें भगवान शिव को चढ़ाएं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि आपको भगवान को बेर का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, साथ ही बेर का फल, क्योंकि भगवान शिव को बेर का फल बेहद ही प्रिय है। दोस्तों नंबर 10, इन चीजों में से ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम ये रोली नहीं चढ़ाएं। हालांकि भक्त जन माँ पार्वती और गणेश जी की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगाते हैं वो शुभ है, लेकिन भगवान शिव को कभी भी रोली सिंदूर ना चढ़ाएं। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए हुए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना पूजा के कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजन और आरती करनी चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद खोलना चाहिए और भगवान शिव का एक बार फिर से अभिषेक करना चाहिए। भगवान को भांग का प्रसाद बेहद ही प्रिय है। शिवरात्रि पर चावल, दाल, गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि मंत्रों का जाप करते हुए महाकाल भोलेनाथ की पूजा करें। दोस्तों अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इन गलतियों से बचा जा सके, सभी को जानकारी प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।